खोल के दे दीजिए। सो बाबा जी को बेनती है, बाबा रामपाल सिंह जी मैसनपुर वाले जो, बाबा बलविंदर सिंह जी जो पांच प्यारां दे मुखी हैं, उन्होंने सरूपों की रस्म अदा करन लगे हैं। बोले सौ निहाल। सो जुड़े उन्होंने नाल होर पांच प्यारे हैं, उन्होंने भी बोले सौ निहाल। बोले सौ निहाल। सौ निहाल सासरी अकाल। सुजड़े पांच प्यार सासरी अकाल। सो इधरों जेड़े होर पांच प्यार दे नाल रहिंदे हर सिंह, सो सासरी अकाल। सो बाबा जी नूं बेनती है कि ग्रंथी सिंह जी नूं भी सुरपो दी रस्म अदा करन, जो इत्थों दे हेड ग्रंथी साहब जी हन। सो इधरों बेनती है सरदार कुलदीप सिंह जी जो श्रीनगर के प्रधान हैं, वो बाबा जी को सरूपों की रस्म अदा करन। सो इधरों भाई सोहन सिंह जी भाई कुलवंत सिंह जी अरोड़ा साउंड समाने वाले, वो भी आके बाबा जी तो सरूपों की रस्म अदा करें। बोले सौ निहाल सा सरदार गुरजीत सिंह जी कौर जी वाले, सरदार कुलदीप सिंह जी कौर जी वाले तो बोले सौ निहाल। सो इधर सरदार हरजीत सिंह जी जो वीडियो कैसेट सीडी तैयार कर रहे हैं, वो भी आके सरूपों की रस्म बाबा जी को प्राप्त कर। सरदार बंटी सिंह जी जो संगतां के सामने वीडियो कैसेट तैयार कर रहे हैं, उन्होंने बेनती है कि स्टेज पर आके सरूपों की रस्म प्राप्त कर। बोले सौ निहाल सा। सो इधरों साढ़े जो साउंड दे भाई साहब पाली पाली सिंह जी समाणे तो, उन्होंने बेनती है कि सरूपों की रस्म आके प्राप्त करन, जिन्होंने तीन दिनों तो साउंड बहुत सैट चलाया है, इन्हों का भी धन्यवाद किया जाता है। बोले सौ निहाल सा। सो जो बाबा जी दे जथेदार, सो बोले सौ निहाल। बोले सौ निहाल सा। सो बाबा जी को बेनती है बाबा रामपाल सिंह जी नूं जो बाबा रणजीत सिंह जी दे सरूपो है, वो अपने जथेदार जी नूं संभालने की कृपालता करन, जो अपने जथेदार भाई नरवैर सिंह जी उन्हां नूं बस्तर अते सरूपो बस्तर फड़ा देगा तो बस्तर भेज देगा बस्तर फिर दे सारे फड़ा देगा नरवैर सिंह। बोले सौ निहाल सासरी अकाल। सो बाबा जी को बेनती की जाती है बाबा रामपाल सिंह जी जो आप जी के सेवादार भाई करम सिंह जी, उन्होंने सरूपों की रस्म प्राप्त कर। बोले सौ निहाल
ਸਾਸਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਸਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨਨੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਧਰਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧਰਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਟਾਲ ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਕੈਸਟਾਂ ਜੋ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡੈਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਹਨ ਉਹ ਟੈਕਸਲਾ ਟੀ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਲੇ 5-10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੈਸਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ